हाय फ्रेंड्स, थोड़ी सी चर्चा आज स्टूडेंट्स के बारे में हो जाए। देखो, अभी 2 महीने मुश्किल से बचे हैं बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। वो साल भर से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। 2-4 टिप शेयर कर देते हैं। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, आप जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जब तक 4 लोग आपको पागल नहीं बोलने आपके लक्ष्य के लिए, आपके एम के लिए, आपके पर्पस के लिए, तो आपका लक्ष्य छोटा है। अगर कोई आपको पागल बोले तो समझ लेना आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप थोड़ा तो पागल बनना ही पड़ेगा माय डियर बच्चों। एक बात और ध्यान कर लो दिमाग के अंदर, समझदार लोग वही काम कर सकते हैं जो पॉसिबल है, ये पागल लोग ही वही काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। इतिहास हमेशा पागल लोगों ने ही लिखा है, समझदार लोग तो वो इतिहास को पढ़ते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं, आपका मॉर्निंग आवर्स अच्छा है, इवनिंग आवर्स अच्छा है, या लेट नाइट अच्छा है, जो भी हो, उस रूटीन को अभी ये पोजीशन नहीं कि आप रूटीन को चेंज करें आप। दूसरी बात यह है इसके अंदर, जब भी आप सोते हैं आप एक लिस्ट बना लीजिए कि नेक्स्ट डे का मेरा गोल क्या है। अभी वो टाइम नहीं है आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अभी आपका वही गोल है पर्टिकुलर कि मेरा एग्ज़ाम है 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद। उसमें पर डे गोल, नेक्स्ट डे का गोल रात को लिख के सोइए आप। और जब भी आप रात को सोते हैं, आप जस्ट इवेलुएट कीजिए अपने आप के अंदर कि जो पूरे दिन में जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, क्या वो ठीक है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। जस्ट इवेलुएट योरसेल्फ। अच्छा, ये और सोचिए आप, अगर ये दिन मुझे दोबारा मिलता, सपोज कोई फॉर्मूला हो या कुछ सिस्टम हो आपको, या भगवान ऊपर से तथास्तु कर दे और ये दिन तुमको दोबारा मिल जाए, तो क्या इससे बेहतर कर सकते थे आप? अगर आपका जवाब यस है, इट मीन्स स्कोप है। जस्ट रात को सोते टाइम यही सोचने का, यही फॉर्मूला है। अभी हर डे को इवेलुएट करो कि इससे बेस्ट दिन जा सकता था कि नहीं जा सकता था इसके अंदर। और 4-5 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आप सिंपल अपने आप से पूछिए, टुडे आई फील, ये जो दिन गया है उसको मैं कैसे फील किया आज, बेस्ट है या और भी बेस्ट हो सकता था, या मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो सकता था, वो अपने आप में सोचिए आप। दूसरा सवाल इसे, ऐसी कौन सी 2 गलतियां की मैंने पूरे दिन के अंदर जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी नई 2 चीजें मैंने सीखी जो मैं आगे उसको इंप्लीमेंट करूंगी या करेंगे, ऐसा वो सोचिए आप। टुडे आई फील प्राउड, ऐसा कौन सा आप में आपका स्वाभिमान जग गया, आपकी चेतना जग गई कि ये काम बस करके बस आनंद की अनुभूति हो रही, ऐसा कौन सा काम है वो लिखिए आप। ये 2-4-5 सवाल लिखिए आप, मालूम पड़ जाएगा। और लास्ट में ये तो आपको इवेलुएट ही करना है, क्या इससे बेहतर मैं कर सकती थी या कर सकता हूँ। बस उसमें क्या रहेगा, एक स्कोप रहेगा, नेक्स्ट डे कंटिन्यूस आपका इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, वो सिंपल सा फॉर्मूला है उसके अंदर। देखो, सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज़ें करने की आदत डाल दी जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। जो आपका मन करता है ना, ये अच्छा नहीं लगता, आप वो करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। देखो, बहुत मेहनत करना मन किसी का नहीं बोलता, लेकिन आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर। हेल्दी फूड खाना मन नहीं करता, लेकिन उसको आप हैबिट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट देगा। सिंपल फॉर्मूला है। और दूसरी बात, मिनिमम 15 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज, कुछ भी सिंपल आप कर सकते हैं अभी, 15 मिनट निकालिए उसके अंदर, उससे क्या बॉडी का एनर्जी मिलेगा। दूसरा, 10 से 15 मिनट विजुलाइजेशन कीजिए आप, आँख बंद करके सिंपल आपको आपका एंड रिजल्ट जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं उस कॉलेज के अंदर बैठी हूँ, लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, ये सोचिए। क्योंकि कोई भी घटना बाहर घटित होने से पहले मन में घटित होती है। और अपने आप को बोलिए, आप अफर्मेशन दीजिए, सुबह उठते ही अफर्मेशन दीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। अच्छा, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, ये
ये बोलिए अपने आप को, सिंपल है, मेरा काम सिर्फ 5-7 मिनट आप कर लोगे, आप जजमेंट हो जाएगा, आप आपका बॉडी का सीटी स्कैन हो जाएगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सिंपल फार्मूला है, थोड़ा हेल्थ पे और ध्यान कर दीजिएगा, हेल्दी फ्रूट्स खाने का, हेल्दी रहने का, वेजिटेबल खाने का या वेजिटेबल जूस पी लेने का हाफ गिलास, दैट्स ऑल, जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके रात को कुछ लाइट खा लिया या छोड़ देना इसके अंदर। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, आज बेहतर जीना सीख जाओ। आज का दिन आपका आपके हिसाब से निकल गया ना, कल अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा नाम राजेश यादव, मैं लाइफ एंड वेलनेस कोच। थैंक यू, बी कनेक्टेड।